अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ एक वायरल फूड जो कि यूट्यूब पे बहुत वायरल है। उबलते हुए पानी में आपको रोटी डालनी है और मज़ेदार होममेड स्पेगेटीज घर पे रेडी करनी है। पानी में थोड़ा ऑयल ऐड किया, नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं आटे की रोटी बनाई, और उबलते हुए पानी में डाल दी। 2 मिनट के लिए एक साइड से पकने दिया। अब पलट के दूसरी साइड से पकाऊंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिएगा। चलें जी, रोटी पक चुकी है अच्छी तरह। रोटी को इस तरह से फोल्ड करके पतली पतली स्ट्रिप्स की सूरत में काट लूंगी। देखें इस तरह से। होममेड स्पेगेटीज रेडी हो चुकी है। पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, 1/2 टीस्पून लहसुन ऐड की, छोटे छोटे पीसेस में काट के थोड़ी सी चिकन ऐड की, 2 मिनट के लिए फ्राई किया। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी वेजिटेबल। मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी है, थोड़ी सी गाजर और शिमला मिर्च है 3 कलर की ऐड की। देखें माशाल्लाह क्या ही कोई कलरफुल डिश बनने जा रही है। अब मैं ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच चीनी। एक खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। अब मैं इसमें ऐड करूंगी होममेड स्पेगेटीज जो कि रोटी से बनाई है। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इस तरह से हिलाते हुए कुक किया। देखें बहुत ही मज़ेदार चाइनीज डिश रेडी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सी डिश रेडी हो चुकी है और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना अच्छा चाइनीज़ मैंने कभी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में भी नहीं खाया। मेरे घर वालों को तो ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आई है और बहुत ही ज़्यादा मेरी वाह वाह हुई है। आप भी ट्राई कीजिए और तारीफ़ें समेटिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।